स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए 23 फरवरी को दिल्ली घेराव का ऐलान कर रखा है, जिसे देखते हुए कुरुक्षेत्र में भारी मात्रा में पुलिस बल और RAF की कंपनी तैनात की गई है। कुरुक्षेत्र के SP अभिषेक गर्ग का कहना है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसके मद्देनजर किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त फोर्स तैनात की गई है। नेशनल हाईवे RAF की 2 कंपनियां तैनात हैं। 100 के करीब किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो हमारे मेजर पॉइंट्स हैं, ऐसे मंडियां हैं या फिर GT रोड है और जो मेजर रोड्स हैं वहां पे नाकाबंदी की हुई है और सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय की हुई है ताकि कोई इसमें ऐसे अप्रिय घटना ना घटे। कल और परसों कुछ प्रिवेंटिव अरेस्ट भी किए हैं, लगभग 100 से ऊपर हमने प्रिवेंटिव अरेस्ट किए हैं। जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले आए थे उनको भी इम्पाउंड किया गया है, जो वायलेशन कर रहे थे ट्रैफिक के नियमों की, और आगे भी अगर इस तरह का कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर को कोई खराब करेगा, कानून अपने हाथ में लेगा, वो कार्रवाई हम करेंगे। लगता है उनको भी हिरासत प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है उनको भी, और आज हम पूरा इसमें पीसफुल। इंडेक्स के लिए कुरुक्षेत्र से भारत साबरी की रिपोर्ट।